हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपनी बेटी के लिए बना रही हूँ कॉफ़ी चॉकलेट बिस्किट का मिल्क शेक। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले ब्लेंडिंग जार लेंगे और उसमें डालेंगे कॉफ़ी बिस्किट। इसमें चॉकलेट चिप्स भी रहते हैं साथ में, तो ये आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ एक पैकेट चॉकलेट बिस्किट लिया है, उसमें से दो चार बिस्किट मैंने बचा रखे हैं। फिर इसमें हम डालेंगे आइस क्यूब और दूध, तो एक गिलास दूध मैंने यूज़ किया है। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे, तो यहाँ मैंने 1.5 चम्मच चीनी का यूज़ किया है। उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा चॉकलेट सिरप, ताकि ये अच्छे से चॉकलेटी भी लगे। तो अब इन सभी चीज़ों को डालने के बाद हमें इसका ढक्कन लगाना है और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। तो ये देखिए, ये ब्लेंड हो गया है, तो सिर्फ 1 मिनट में बन के तैयार हो जाता है हमारा कॉफ़ी चॉकलेट बिस्किट का ये मिल्क शेक। तो चलिए अब इसको सर्व कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है कांच का एक मग, जिसे मैंने पहले फ्रिज में रख दिया था ताकि ये ठंडा हो जाए। फिर अब हम इस पे डालेंगे चॉकलेट सिरप, किनारे किनारे डालते जाना है ऐसे ही रैंडमली, ताकि इसमें एक अच्छी सी डिजाइन बन जाए। तो फ्रिज में रखने से ये होगा कि आपका चॉकलेट सिरप जो है उसकी दीवारों पर लगा रहेगा, पूरा बहकर नीचे नहीं जाएगा, तो एक अच्छी सी डिजाइन उसमें बन जाती है, जो कि आप मिल्क शेक डालेंगे तब भी आपको दिखाई देगी। तो चलिए अब इसमें मिल्क शेक डाल लेते हैं। तो ये देखिए, हम इसमें मिल्क शेक डाल रहे हैं तब भी ये डिजाइनिंग बनी हुई है अच्छे से, चॉकलेट अपनी वहीं पर चिपकी हुई है। तो ये देखिए, हमने सारा ही डाल दिया और कितना अच्छा ये फ्रॉदी बनी है, इसमें अच्छे से झाग भी आए हैं। अब मैं ऊपर से थोड़ा सा बिस्किट को ही क्रश करके डाल रही हूँ। आप चाहे तो आइसक्रीम भी डाल सकते हैं और चॉकलेट चिप्स वगैरह भी डाल सकते हैं। तो मेरी बेटी ने अपनी क्रिएटिविटी दिखाई और साइड में पूरा बिस्किट खड़ा कर दिया उसने, तो कैसा लगी उसकी क्रिएटिविटी जरूर बताइएगा। अब साथ में इसमें स्ट्रॉ डाला है और उसको मैंने दे दिया है पीने के लिए, तो उसको तो ये बहुत टेस्टी लगा है। तो आप भी अपने बच्चों को इस तरह से बनाकर दे सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।